वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आपको बिटमार्ट में अपनी केवाईसी कैसे करनी है और केवाईसी होने के बाद आप उसमें विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप जो है कि बिटमार्ट में केवाईसी कैसे कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप केवाईसी कर सकते हैं और आप इसमें से कोई भी कॉइन अपना बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, मार्केट हो गया, ट्रेड हो गया, फ्यूचर्स हो गया, एसेट हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको एसेट के ऊपर क्लिक करना है। एसेट के ऊपर तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आते हैं, एक आता डिपॉजिट का, एक आता विड्रॉल का, एक आता ट्रांसफ़र का। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो कि है इस वाले विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमको क्या करना है कि अपने जो इसमें जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है तो हमको क्या करना है, इसमें से अपना प्रॉफिट निकालना भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लगाते रहेंगे निकालेंगे नहीं। तो अगर आप इसमें से लगाना चाहते हैं तो इस डिपॉजिट वाले एड्रेस पे आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप इसमें से, जैसे आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप कोई भी, जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कोई भी, आप जैसे TRX ट्रोन डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से TRX का एड्रेस जो कि कॉपी कर सकते हैं और किसी भी एक्सचेंजर के थ्रू आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब जैसे हमको हमारा इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमें इसमें $10 लगाया, हमारा $20 हो गया, तो अभी हम क्या करते हैं, अगर अपने जो इनकम हुई है उसको निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, विड्रॉल का ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, इस पर क्लिक करने के यहाँ पे आपके पास इस तरह का सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, यू नीड टू कम्प्लीट द ऑपरेशन टू विड्रॉल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वेरीफिकेशन का ऑप्शन, यहाँ पर मेरे डन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको बाइंडिंग का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आएगा आईडी वेरिफिकेशन, यहाँ पे अनवेरीफाइड। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। आपके पास जैसे वो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो आपके पास इस तरह पे किस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, जैसे आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जैसे आपको इस तरह वेरीफिकेशन के आगे इस तरह का इंटरफेस आएगा बाइंडिंग का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, गूगल ऑथेंटिकेशन और ईमेल ऑथेंटिकेटर। तो आपको ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करते वक्त बिटमार्ट में डाली थी तो वहाँ भी आपको इसमें यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, आपके जीमेल पर एक, ठीक है, बिटमार्ट की तरफ से एक OTP आएगा, वो OTP आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट करना है OTP। ठीक है, जीमेल पर आएगा यहाँ, ठीक है, जो जीमेल आपने डाली होगी उसी पे जीमेल पे एक OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, OTP डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर आपने डाला होगा तो मोबाइल नंबर पे एक आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा हमारा। ठीक है, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो मोबाइल नंबर पे जो हमारा OTP आएगा उसको OTP हमको डालना है यहाँ पर। ठीक है, OTP डालने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आ जाने के बाद, ठीक है, जो आपके जीमेल है वो यहाँ पर जो योर ईमेल ऑथेंटिकेशन हैव बीन सेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो फिर आपके पास जैसे आप, ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आईडी वेरिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद, 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन लिख के आ जाएगा, जो यहाँ पर बाइंडिंग ऑप्शन लिख के आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर बाइंडिंग लिख कर आ रहा था, थोड़ी देर बाद डन का ऑप्शन लिख के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आईडी वेरिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, इस पर क्लिक करने के लिए यहाँ से आपकी जो डिटेल है वो पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको डिटेल डालने के बाद यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, अपना फुल नाम डालना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे जो आपका नाम डाला होता है, फुल नाम आधार कार्ड के ऊपर या ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तो ठीक है, उसके बाद आपको अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे आईडी कार्ड के, यहाँ पे आप अपना जो कि आईडी कार्ड कोई भी आपका, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, पासवर्ड आप डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। ठीक है, आईडी कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे फिर आपको आईडी कार्ड का जो नंबर है वो डालना है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी आईडी कार्ड का जो फ्रंट
फ्रेंड का फोटो पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो हम जाएंगे अपने ठीक है, तो यहाँ पे एल्बम के ऊपर जाएंगे हम फ्रेंड्स। यहाँ पे आप फिर आपके जो क्या है कि अपने आधार कार्ड का जो फ्रेंड का वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, सर्चिंग लेगा थोड़ी देर तक। फिर आपको क्या करना है, उसका नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको बैक साइड का अपना फोटो अपलोड करना है फ्रेंड्स। फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना, फिर आपको क्या करना है, बैक साइड का अपना आईडी कार्ड का फोटो सिलेक्ट करना है ठीक है, प्लस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। फिर से आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी इंपॉर्टेंट बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आपको अपनी फ़ोटो खींचनी है तो आपको अपने आधार कार्ड आपको हाथ में पकड़ना है और एक ब्लैंक पेज के ऊपर वाइट पेपर के ऊपर आपको लिखना है, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ शो करा होगा बिटमार्क, आपको यहाँ पे लिखना है अपना सिग्नेचर डालना है और यहाँ पे डेट डालनी है, जो आज की डेट है ठीक है, वो डेट डालनी है ठीक है। जिस दिन भी आप क्या करेंगे अपनी जो वेरीफाई जो अपनी आइडेंटिफिकेशन अपडेट करेंगे उस दिन की आपको डेट डालनी है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है बिटमार्क लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो जिस दिन आप अपनी KYC करें उस दिन की डेट लिखनी है और अपने सिग्नेचर करने हैं। सो फ्रेंड इतना में करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके KYC जो वेरीफाई के ऑप्शन पे चली जाएगी, थोड़े 24 से 48 घंटे के बाद आपकी KYC हो जाएगी। तो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, फोटो वगैरह खींच लेता हूँ, फिर आपको अपलोड करके इसमें बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से फ़ोटो खींच लेना है अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड लेना, उसके साथ में वाइट पेज लेना, वहाँ पे लिखना आपको बिटमार्क लिखना है, सेकंड आपको वहाँ पर जो लिखना हुआ अपने सिग्नेचर करनी है, और डेट लिखनी, डेट उस दिन की लिखनी जिस दिन आप KYC कर रहे होंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट आप बात करते हैं, आपके पास फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले पेज पर आपको क्लिक करना है सिंपली। तो आपको जो नेक्स्ट पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा सिंपली दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई ऑप्शन के आने के बाद फिर आपके पास जैसे आप विड्रॉल पे दोबारा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपने ईमेल वेरिफिकेशन की होगी तो यहाँ पे वेरीफाई का डन आ जाएगा, और आईडी वेरिफिकेशन की होगी तो आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगता है, साथ ही जैसे मैंने कि मैं बोल रहा था कि 24 से 48 घंटे लगते हैं, लेकिन 48 घंटे नहीं लगते, ना 24 घंटे लगते हैं फ्रेंड्स। आपको उसी दिन KYC हो जाती है। मैं क्या कर रहा था कि मैंने जो KYC का टाइम था, मैंने 12 से 1 बजे के बीच में KYC जो कि अपने सारे डॉक्यूमेंट फिल किए, तो मैंने शाम को लेकर 6-7 बजे तो मेरी KYC डन हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो आपको भी इसी तरह KYC करनी है अपनी। KYC करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने जो बिटमार्क की जो एप्लीकेशन है दोबारा से ओपन करनी है। तो बिटमार्क की एप्लीकेशन ओपन के बाद फिर से आपको क्या करना है, अपने एसेट्स के ऊपर जाना है। फिर एसेट के ऊपर जाने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ठीक है। विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पहले क्या जो ऑप्शन आ रहे थे वहाँ पर लिखा हुआ रहा था कि आप फर्स्ट टाइम अगर इस ऐप को चला रहे होंगे तो वहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वेरीफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको ईमेल वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट आपके आईडी वेरीफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको अपनी KYC करनी है, सारे डॉक्यूमेंट फिल करने। फिर जब आपकी KYC हो जाएगी, जब दोबारा विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे अपनी इनकम को विड्रॉल करने के लिए किसी भी एक्सचेंज पर, जैसे आपको प्रॉफिट होता है तो आप एक्सचेंज पर ले जा सकते हैं किसी भी, जैसे यहाँ पे TRX आप अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, यहाँ पे TRX शो करेंगे। TRX आप जितना भी अमाउंट यहाँ पे, जैसे आप आपको यहाँ पे जो आप अपना BajiRex में अगर पैसा लेना चाहते हैं, TRX लेना चाहते हो, यहाँ पे TRX आपको BajiRex का जो डिपॉजिट का एड्रेस है वो डाला है। यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल है यहाँ पे 600 आपके पास होने चाहिए, और जो फीस कटती है वो एक जो 120 यहाँ पर फीस कटती है। जैसे विड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो आपको जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें बताऊंगा कि विड्रॉल कैसे करते हैं और कितना समय लगता है विड्रॉल आने में ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो भी 600 करोड़ नहीं हुआ था, तो मैं इसलिए विड्रॉल करके यहाँ पे इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का यहाँ पे विड्रॉल करके बताऊँगा लाइव, और आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो मोर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।